खुतिन को बहुत से अमूर ऐसे होते हैं जिसके बारे में पता नहीं होता चुनाचे मर्द जो है वो रास्ते से हट जाता है भटक जाता है औरत की वजह से अपनी बीवी की वजह से या किसी और औरत की वजह से ठीक है जब अपनी बीवी की वजह से भटक जाता है या किसी और औरत की वजह से भटक जाता है या बहुत से ऐसे हालात आते हैं माशरे के अंदर तो उसमें औरत का किरदार बहुत अहम है औरत का किरदार इसमें बहुत 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 अहम है लार्मिंग सिचुएशन है कि औरतें भी इस मर्ज का शिकार है और अपनी जिन्स तब्दील करवाना और इस नोत की चीजें दुनिया में कसरत से हो रही हैं हमारे मुल्क में भी हैं लेकिन बहुत कम हैं ज्यादा ऊपर नहीं आती लेकिन जितनी ऊपर आती हैं वो हम, समझ लें इस समाज का महाशरे का बेड़ा गर्क कर देती है क्योंकि तो ये ऐसी चीज है जो बंदे को तबाह करने वाली है मैं छोटी सी बात आपको समझा दूँ। मर्द है उसको ख्यालत औरतों वाले आते हैं औरत है उसको ख्याल मर्दों वाले आते हैं जैसे खातून हैं हमारे सबक भी पढ़ रही होती हैं। उनकी बेटी है उनको खैरात मर्दों वाले आते हैं जी मेरी तो बीवी होनी चाहिए थी और ऐसा होना चाहिए था वैसा होना चाहिए था और ये वाकता एक्सट्रीम लेवल की चीजें ऐसा नहीं है और वाकता उस बंदे के साथ ऐसा हो रहा होता है वाकता उस औरत के साथ ऐसा हो रहा होता है हम इस बात का को कोई इनकार नहीं करते ना हम कर सकते हैं वाक्यता ऐसा साथ होते हैं आगा खान में एक डॉक्टर है मुझसे हुआ कुछ अर्सा पहले अभी भी में जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है लेडी डॉक्टर है मुझे खात में इंटरेस्ट है मर्दों में इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती करना चाहती हूँ तो मैं किसी लड़की से ही करना चाहती हूँ क्या मैं अपने हार्मोन चेंज करवा के वगैरह 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 सब करा के मर्द बन सकती हूँ तो देखें इसको जरा समझें मैं इसको समझा दूं ऐसा नहीं है कि न, ये लोग आ, जो हैं वो आ, वो ऐसे हैं और वैसे हैं लेकिन मसला ये है कि ये, ये जब कोई भी चीज ऐब की हद तक बढ़ जाए तो ऐसा मामला होता है ठीक है मर्द के अंदर जज्बात हैं औरत वाले उसको किसी मर्द की जरूरत है कहते है, मुझे अपनी शेवत ऐसी ही पूरी होगी जब कोई मर्द मेरे पास आएगा माजत के साथ समझाना जरूरी है औरत है उसको औरत वाले एहसास नहीं होते बल्कि मर्द वाले अहसास होते हैं। ठीक है, ठीके? तो अब ऐसा है तो ये असल में एक मर्ज है बीमारी है ठीक है जिसे आप नफसियाती बीमारी कहते हैं ठीक है इसका इलाज कराना चाहिए ना ये कि इसको पूरा करना शुरू कर दिया जाए आप समझ रहे मेरी बात भी अगर पूरा कर लिया तो क्या हार जाए चलो ठीक है एक औरत है उसको ख्याल आना शुरू हो गया मैं पाकिस्तान की वजीर अजम हूं जी तो क्या करेंगे उस औरत का इलाज करेंगे या उसको पाकिस्तान का वजीर आजम बना देंगे ठीक है ये थोड़ी बड़ी बात होगी चले छोटी बात एक औरत है उसको ख्याल आना शुरू हो जाता है कि वो आपके शोर की बीवी है ख्याल आना शुरू हो गया मैं क्या करूं भाई मुझे ख्याल आ रहा है? मैं आपके शोर की बीवी हूं मुझे ख्याल आना शुरू हो गया तो अब क्या इस औरत को आपके शोर की बीवी बना दिया जाएगा या उसका इलाज करवाया जाएगा ठीक है आपके शोर की बीवी बना दिया तो उसको ख्याल आना शुरू हो गया कि मैं फुला के शोर की भी बीवी हूँ मैं फला के शोर की भी बीवी हूँ मैं फुला के शोर की भी बीवी हूँ ये अंदर के ऐसा साथ हैं और ये ऐसा साथ कभी तो सही होते हैं और कभी बीमारी होते हैं ठीक है थीके? तो जो ऐसा साथ बीमारी हैं उनका इलाज होना चाहिए न ये कि उनको प्रोमोट किया जाए न ये कि उन ख्याल पर अमल करना शुरू कर दिया जाए ये कहा जाए कि भी हर्जी क्या है तो जब कोई चीज अपनी अपने मकाम से हटती है तो बहुत से हर्ज पैदा होना शुरू हो जाते हैं बहुत से हर्ज पैदा होना शुरू हो जाते हैं जैसे किसी ने कहा ना भी लोगों को बस वहम होता है कि औरत ने नकाब क्यों लगाया हुआ ठीक है आ, तो लिहाजा औरत को नकाब नहीं लगाना चाहिए बट ठीक है लोगों अगर आप कहते हैं क्यों का जवाब वही है जो लोगों को लोगों के जहन में आता है ठीक है यानी इसका इलाज यही है कि जो लोगों के जहन में आता है वैसा कर लीजिए औरत औरत को और, इसमें नकाब क्यों लगाया हुआ गया औरत को नकाब उतार देना चाहिए ठीक है तो फिर कल मेरे जहन में आएगा आपके अकाउंट के अंदर इतने पैसे क्यों है जी ये तो मेरे पास होने चाहिए थे तो अपने सारे पैसे मेरे पास आ जाने चाहिए ना क्योंकि अगर क्यों का इलाज वही है जो मैं चाह रहा हूं तो फिर तो यही होना चाहिए तो जब कोई चीज लिमिटेशन से बियॉन्ड करती है आगे निकलती है तो वो एक बीमारी और खतरनाक मसला बन जाती है और ये नफसियाती मरीज अब दुनिया के ऊपर मुसलत हो रहे हैं इसकी कोई हद नहीं अल्लाह समझने की तोहफे का फर्मा उम्मीद है बताफाज